rioting breaks out in Bombay, the Marathas are one of the main racial groups in this huge cosmopolitan city. They want Bombay included in the new Maharashtra state. क्या आपको ये पता है कि आज से कुछ साल पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे और उसका नाम हुआ करता था बॉम्बे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि दोनों स्टेट को अलग होना पड़ा, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्टेट की हिस्ट्री क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपके एक बटन दबाने से हमें बहुत मदद मिलती है। इन दोनों स्टेट की अलग होने की वजह जानने के लिए पहले हमें बॉम्बे की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। बॉम्बे शहर की नहीं, बॉम्बे स्टेट की हिस्ट्री जानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं साल 1661 में, जब पोर्टुगल की प्रिंसेस कैथरीन की शादी होने वाली थी अंग्रेज के किंग चार्ल्स सेकंड से। इस टाइम पे अंग्रेजों के बीच में डाउरी बहुत ही ज्यादा कॉमन हुआ करती थी, इसलिए कैथरीन की फैमिली को, इंग्लिश रॉयल्टी फैमिली को कुछ ना कुछ तो देना ही था, और उन्होंने दहेज के तौर पर दिया बॉम्बे के कुछ आइलैंड्स, और जो कि उस टाइम पे पोर्टुगीज ऑन करती थी। और कुछ समय बाद अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि इस जगह को मैनेज करना उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्यों ना इस जगह को लीज पर दे दिया जाए। और उन्होंने जगह को लीज पर दिया तो दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उन्होंने 1668 में ऐलान किया कि आज से जगह को कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और इसके लिए वो रेंट देगी 1000 से कम पे, अगर हम करंट एक्सचेंज रेट की बात करें तो। और यहीं से शुरुआत हुई बॉम्बे प्रेसिडेंस की एस्टेब्लिशमेंट की। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब इंडिया पे कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा और उसकी जगह इंडिया पे कंट्रोल अब ब्रिटिश क्राउन करेगा। और इसी के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई थी। अगले कुछ 60-70 सालों में बॉम्बे का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ता गया और इसी टाइम के दौरान बॉम्बे के डेवलपमेंट का काम भी बहुत ही ज्यादा जोर शोर से बढ़ रहा था। जब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था तो उनका मेन फोकस यही था कि बॉम्बे को ट्रेड एंड कॉमर्स का मेन सेंटर बना दिया जाए। इन सब की वजह से ब्रिटिश ने कई गुजराती कम्युनिटीज जैसे बनिया, पारसी, वोरास को गुजरात से बॉम्बे में शिफ्ट होने के लिए कहा। और क्योंकि ब्रिटिश के इनके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, और इसकी मेन वजह ये थी क्योंकि बॉम्बे से पहले सूरत में वेस्टर्न इंडिया का मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था और कहीं ना कहीं सब कम्युनिटीज के लोगों का एक सॉलिड बिजनेस नेटवर्क हुआ करता था। और ब्रिटिश को ये बात पता थी कि सॉलिड बिजनेस नेटवर्क बॉम्बे को डेवलप करने में बहुत काम आएगा। जहां कई गुजराती लोग बॉम्बे में शिफ्ट हो रहे थे, वहीं कई किलोमीटर दूर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे थे। उनका यह मानना था कि भारत को लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। वहीं पर बॉम्बे में स्थित मराठी स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ने अपनी डिमांड रखी, जिसमें उन्होंने एक यूनाइटेड महाराष्ट्र की मांग करी और उसकी कैपिटल बॉम्बे होनी चाहिए इसकी मांग करी। लेकिन वहीं गुजरात के लोगों की कुछ ऐसी खास डिमांड नहीं थी क्योंकि उन्हें बॉम्बे पसंद आने लग गया था और कई गुजराती ने तो बॉम्बे में अपना बिजनेस भी सेटअप कर लिया था। लेकिन भारत के दूसरे भागों में लैंग्वेज के बेस पर स्टेट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, खासतौर पर तब जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ लैंग्वेज के बेस पर। देश के पॉपुलर लीडर महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक का भी यही मानना था कि भारत को लैंग्वेज के हिसाब से ही डिवाइड करना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसको लीड एस के धर कर रहे थे। और इनका काम यह था कि ये पता लगाना कि भारत को लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ये कमेटी बॉम्बे के ऊपर बात करने लग गई थी। कई लोग का ये मानना था कि महाराष्ट्र तो अलग स्टेट चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन्हें बॉम्बे भी महाराष्ट्र में ही चाहिए। लेकिन जो गुजरात कमेटीज के लोग थे उनका ये मानना था कि महाराष्ट्र अलग हो जाए और गुजरात अलग हो जाए, लेकिन जो बॉम्बे वाला पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करे। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद एस के धर, जो इस कमीशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने 1948 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन इस डिसीजन से संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसकी वजह से कई ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग गए थे। बेसिकली ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई बॉम्बे शहर के लिए थी, गुजराती बिजनेसमैन और मराठी आम जनता के बीच में। लेकिन इस प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था, इसलिए से डिसीजन लिया गया कि अभी बॉम्बे को डिवाइड नहीं किया जाएगा। कुछ समय बाद गुजराती महापरिषद ने अपने अलग स्टेट की डिमांड कर दी, जिसमें उन्हें ये पता था कि इसमें उन्हें बॉम्बे मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र परिषद के साथ नेगोशिएट किया और वो तैयार हुए बॉम्बे को महाराष्ट्र को देने के लिए। और इसी तरीके से गुजरात एक अलग स्टेट बना और महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बना। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।